हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ जुड़े हुए अराजकता तथा भ्रष्टाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों प्राइवेट कोचिंग सेंटर तथा ट्यूटर्स का दास्तान के बारे में। कोचिंग सेंटर महानगरों में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ है। कोचिंग सेंटर चलाने वाले किसी बड़े व्यापारी से कम नहीं, सालाना लाखों में फीस वसूल करते हैं और 100% वापसी गारंटी भी देते हैं। मोटी रकम ऐंठने के बाद भी यदि बच्चा फेल कर जाता है तो सारा इल्ज़ाम स्टूडेंट पर ही लगा देते हैं। ये कमबख्त, बेशरम तथा उच्च कोटि के हरामखोर होते हैं साले। गार्जियन तथा बच्चों को झांसा देते हैं कि मैं इसे डॉक्टर बना दूंगा, इंजीनियर बना दूंगा, IAS तैयारी करवा दूंगा, लेकिन सब बेकार। ये बैंचोर, ये भोंसले वाले इतने हरामखोर होते हैं साले। झूठे सपने दिखाकर बच्चों को पैसे लूटते हैं, बच्चों को कूटते हैं और गार्जियन को लूटते हैं। वीकेंड में समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स की पार्टी भी देते हैं ताकि बच्चे कोचिंग सेंटर में आता जाता रहे। पढ़ाई के नाम पर टेस्ट लेते रहते हैं, पढ़ाते कुछ भी नहीं है और अपनी तारीफ करते रहते हैं। कुछ सुंदर लड़कियों को भी ये बंदोबस्त करके रखते हैं ताकि लड़के कोचिंग सेंटर में आते रहे। यदि लड़कियों ने कोचिंग में आना छोड़ दिया तो उन्हें घर पर फ़ोन करते हैं, पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं कि हमारी बहुत अच्छी पढ़ाई है, हम 100% मार्क्स की गारंटी देते हैं। बच्चों से बोलते हैं, लड़कियों से खासकर, तुम बेटे आते रहो, तुम बसरते फीस मत दो लेकिन कोचिंग में आते रहो। कारण है, लड़कियों को देखकर कोचिंग में लड़कों की भीड़ होती है। बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर का सपना दिखाकर ये केवल बकचोदी बैनचोद करते हैं। ये आँख चौदे हैं साले, बोका चौदा हैं ये। खुद डॉक्टर अधिकारी क्यों नहीं बन जाते हो, खुद तो बने नहीं और साले गधे की तरह घूमते रहते हैं। दोस्तों, कोचिंग में पढ़कर कोई बड़ा नहीं बन आज तक। पढ़ाई चिंतन खुद की होती है, खुद की मेहनत से लक्ष्य हासिल होता है। कोचिंग सेंटर पैसा कमाने का धंधा है और कुछ नहीं। पैसे देखकर कोचिंग वालों का लंड तो दिल्ली की गर्मी की तरह दिनानुदिन बढ़ता ही जाता है और उस साले का आंड बैगन जैसे गोल होता जाता है। इन लोगों के बीवी बच्चे गाड़ी में घूमते हैं, विदेश में पिकनिक मनाते हैं। अंत में बच्चों तथा अभिभावकों को लंड ही चूसना पड़ता है और क्या करेगा। अब मैं चर्चा करता हूँ घर घर जाकर पढ़ाने वाले बहनचोदे ट्यूटर का। ये किसी अव्वल कोटि के भिखारी से कम नहीं होते। स्टूडेंट को जाकर पहले परखते हैं उनके घर में क्या है, उनकी कितनी सैलरी आती है, क्या व्यवसाय है, बिजनेस है, उसके बाद वो सेंध मारते रहते हैं। और ये साले अपनी योग्यता का बखान भी करते हैं। भैया, मैं IAS होने से रहा, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट के घर जाकर खूब खाते पीते हैं, खूब बात मनाते हैं और मोटी फीस भी बदले में लेते हैं। अपने धन की, संपत्ति की, ज़मीन की, जायदाद की ये साले तारीफ करते थकते नहीं हैं। मगर ये साले होते हैं बहुत बड़े घटिया किस्म के इंसान। बिना बुलाए हुए मेहमान की तरह घर पहुंचाते हैं, विद्यार्थियों के घर का कबाड़ भी नहीं छोड़ते। ये किसी के घर पहुंचकर ट्यूशन भी मांगते हैं और अपना रेफरेंस भी देते हैं कि हमें ट्यूशन लगवाओ। लड़कियों को देखकर फूले नहीं समाते। ये साले बड़े गदगद होते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान अपने आप बिखरने लगते हैं। बात बात पर लड़कियों को पढ़ाते वक्त पीठ ठोकते हैं, गाल चूमते हैं और उनकी बालों की सुंदरता की तारीफ करते हैं। गर्ल स्टूडेंट में उन्हें केवल सेक्स ही दिखता है। टीनेजर लड़कियां अनजान होती है, दुनियादारी नहीं समझती है। इन मामलों में उस ट्यूटर के प्रेम पास में वह फंस जाती है और अपना किशोरावस्था भी नष्ट कर लेती है। ये मादर जात ट्यूटर बहनचोद हैं, कमीने। लगता है इनके घर में माँ बहन है ही नहीं।
इन सालों को गधे का लंड ऐसे गण में घुसाओ और कलेजे को पार करते हुए मुंह से साले को निकाल दो। इनकी गण में मिर्ची का पाउडर घुसाओ उस सालों हरमजादों का जो लड़कियों के प्रति बुरी नज़र रखते हैं। बस आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। फ्रेंड्स अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह का वीडियो बनाता रहूँगा और जैसे हमने पहले भी टीचर्स के बारे में उजागर किया था, टीचर के बारे में ऐसे ही हमने ये वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो।